हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं मूल नक्षत्र की। कोई भी राशि जब पानी से अग्नि में आती है तो वहाँ गंडांत योग बनता है। अब देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, पहले ही जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं कि कहीं ये मूलों में तो पैदा नहीं हुआ, ये लाइन तो सुनी है ना, बस इसी पर आप चलो। इतनी ईजी लैंग्वेज की आपको समझ आए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मूल क्या है? जड़ है ना। अब जो मूलों में पैदा हो गया, यानी आठ जो है वो कर्मों की है। इसमें छह नक्षत्र आएंगे, अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। जो बच्चा इनमें पैदा होता है कहते हैं मूलों में पैदा हुआ है। जैसे मैं मूलों में पैदा हुई हूँ, मेरा बेटा मूलों में पैदा हुआ है। मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़ा ही थी तब, और कोई ऐसा पूजा पाठ कराया हो मुझे याद नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में पता नहीं कराते थे कि नहीं। इतना पता है कि इतना बता देते, बच्चा मूलों में हुआ है, पापा पर भारी है, बस ये दो बात बताते थे। तो जब मैं लाल किताब करने गई तब मेरे सर ने बोला आपका बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, आप लोगों ने पूजा नहीं कराई है। मैं कहा पूजा करा लेते हैं, इतना जहाँ कराया है वहाँ एक पूजा पाठ कराने से क्या होगा, सात्विक एनर्जी आ जाएगी। करा लिया, फिर कार्तिक क्या इसको दोष है, कार्तिक पूजा करा लो। मैं कहा वो भी करा लेते हैं। मैंने बोला ना, वो हर चीज़ भगवान ने इसलिए कि आप सत्य की जर्नी खुद करो। मैं सत्य को पाने गई थी, लाल किताब भी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन क्या उसकी किस्मत बदली? क्वेश्चन मेरा ये है सबसे कि आपने क्यों मूल को इतना मूल को रूट बना दिया कि लोग डरने लग गए, बच्चों से ही डरने लग गए कि मूलों में पैदा हुआ। जो मूलों में बच्चा पैदा होता है, जो भी जन्म का जो है कर्मों की गांठ को खोल ले आया है। बस कोई मनुष्य किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, कोई किस नक्षत्र में, लेकिन पैसा क्या मूलों के ऊपर टिका हुआ है? पैसा मूलों के ऊपर नहीं टिका हुआ है। मूल नक्षत्र क्या है? जितने अग्नि के नक्षत्र हैं ये क्या हैं? सात्विक नक्षत्र हैं, सतयुग के नक्षत्र हैं ये। अग्नि सतयुग है, जितने हैं वो मोक्ष के नक्षत्र हैं। तो बताइए कि मूलों के बच्चों ने क्या कर दिया? मूल पहले अश्विनी है, मगर लास्ट में मूल है तो क्या बोलते कि अपने सारे ऐशो आराम छोड़ दो। गुरु वैसे ही गिवर है, कहेंगे कि नहीं सब कुछ राजपाट त्याग कर दो आज से, क्योंकि मघा जो है सिंहासन अप्रोच के दिया जाता है, गुरु को सिंहासन प्रोस कर नहीं दिया जाता। गुरुदेव तो इंद्र के दरबार में इंद्र के पीछे खड़े हैं, उनको राजपाट का त्याग, उनको मोह भी नहीं है, त्यागने की बात ही दूर रह गई। ये फायर वो वाली फायर नहीं जो पाने के लिए आई है, ये वो फायर है जो देने के लिए आई है। इस अग्नि का मतलब अलग है, लेकिन जो नक्षत्र में बोला गया है कि राजपाट को त्याग देना है और सब कुछ छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना है। मैं सच बताऊँ, जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी, मैं कनेक्टिविटी ढूंढती हूँ हर चीज़ में। ये ना प्लैनेट के ऊपर निर्धारित है, कहा गया है। क्या हम ऐसा सबके लिए कह सकते हैं? अगर सूर्य केतु के साथ हुआ तो क्या मैं उस बच्चे को ये बात कह सकती हूँ? तो मैं अहंकार नहीं कह सकती। ये क्या, अगर सूर्य अपनी स्वराशि में हो, एग्जॉल्टेशन हो, तब तो मैं उसको बोल भी सकती हूँ। मेरे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो पूरा नक्षत्र पढ़ो आप, आपको जहाँ कनेक्शन मिलेगा तभी तो बोलोगे। इसीलिए हर बात किस पर है? दशा, काल, पात्र, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पर है ये। ऐसे नहीं आप कह सकते कि आप में अहंकार है, अहंकार को त्याग दो, तो अपना राजपाट छोड़ दो। हमारे पास कोई राजपाट नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव बच्चों का नहीं रहा है, क्योंकि झूठ इतना बोला गया है, उनको उम्मीदें इतनी दी गई, उनको सांत्वनाएँ इतनी दी गई हैं, तो आज तो बच्चों को विश्वास ही नहीं है। आज बच्चे अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो वो खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, उनके मम्मी पापा आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, आज बच्चे नहीं आते हैं। बहुत रेयर देखा है मैंने कोई बच्चा आया हो, अदरवाइज़ माँ बाप आते हैं, आप बता दीजिए। बच्चे तो विश्वास, क्योंकि विश्वास तोड़ा गया, विश्वास बन नहीं सकता दोबारा। ये बात मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बोली हुई है कि करोड़ के बीच में जब एक सत्य बोलेगा ना, वो करोड़ बार उसका क्या टूटा है विश्वास, दोबारा नहीं बना सकते आप। इसलिए यहाँ पर कर्म चलेगा। ये मैंने नोट्स जो लिखे थे मूल नक्षत्र के ऊपर, आई थिंक 10 साल पहले लिखे थे, लेकिन जो फलित हुए हैं वो आज हुए हैं 2024 में, क्योंकि 2012 में तो एक जर्नी थी जस्ट स्टार्ट,
बेसिक ही मेरा 16 तक स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिसर्च में लग गई। मूल नक्षत्र क्या होता है कि सेल्फ की जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन क्या सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे ही हो जाएगा? शनि में जब मेरी बुध की अंतर्दशा आई है, क्योंकि बुध है सेल्फ, खुद को जानने की महात्मा, वो बुध की जर्नी है। जब तक बुध आएगा नहीं, अपने आप को नहीं पा सकते आप। सेल्फ रियलाइजेशन अपने की जर्नी है ये। अब जो क्या पुराण पढ़ रही हूँ मैं लोगों के लिए पढ़ रही हूँ? नहीं, मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आपका अगर लेना देना होगा तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, वही 12 क्वेश्चनों के रिगार्डिंग लेना देना है। मेरा खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे करेक्शन कहाँ करनी है। जैसे मेरा बड़े दिनों से भगवान से एक क्वेश्चन है, जो वो सर्वशक्तिमान है। तो आज वो चैप्टर अपने आप ही अपलोड हो गया कि नानक जी ने क्या मेडिटेशन करी थी, उन्होंने गीतों में पा लिया। कबीर जी ने दोहों में पा लिया। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन में पा लिया। परमहंस जी ने मेडिटेशन में पा लिया। लेकिन भगवान को आप जिस रूप में पाना चाहोगे, उसके लिए बंदिश ये नहीं है कि किस रूप में भगवान आपको मिल रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें कान्हा के वहीं दर्शन होते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं हम राम की छुपाई पढ़ते हैं, हमें राम भगवान वैसे मिलते हैं। कोई देखो आप नैना देवी को कितना मानता है, उनको मिलते हैं। मेरा भी क्वेश्चन था आप मुझे कैसे मिलोगे, तो वो मुझे एस्ट्रोलॉजी में मिले। क्योंकि हमको फॉर्म नहीं ढूंढनी, किसी के पास कोई फॉर्म है, किसी ने कैसे ढूंढ लिया, वो तो निराकार है, ओम है। यही चैप्टर था कि सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो शंखनाद जो ओम का है, वो आपके मरने से पहले भी था, मरने के बाद भी है। वो नाद हमेशा सुनाई देता रहता है। इसलिए मैं जब गई थी काशी विश्वनाथ, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पर, जब हम कुछ लेने गए मार्केट में। लेकिन मुझे एक मेडिटेशन बाउल आया, बहुत पसंद आया। तो क्योंकि उसके अंदर जो ओम की ध्वनि थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ जाऊंगी। जबकि अभी तक मैं जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में होती तभी यूज़ करती हूँ, तो इतना भगवान यूज़ नहीं करने देते मुझे। लेकिन हाँ, वो मेरा बड़ा इच्छा थी, लेकिन मैंने उसको बाद में ऑर्डर से मंगवाया। उस चीज़ में मुझे लगा भगवान है। ज्योतिर्लिंग में है, वहाँ दर्शन तो देखिए आपको, गर्भगिरी में तो किसी का जाना नामुमकिन है। सिर्फ पंडित ही बैठे थे। मैंने जो प्रार्थना कर दी, मैंने कहा प्रभु मैं तो सब यहीं आपके अर्पण करके जा रही। अगर लिखा है ना, अब आपकी परीक्षा है। आपने ही बोला ना मोक्ष है, बस। मैंने एक शब्द ऊपर नहीं, एक शब्द नीचे नहीं, वो भी भगवान को नहीं बोला, मैंने नंदी भान को बोला। मैं क्या, आप उनके बेटे हैं, मेरा मैसेज दे देना, जब वो मेडिटेशन से उठे ने एक मैसेज दे देना, बस। क्योंकि मैं खुद रोहिणी नक्षत्र में हूँ, तो रोहिणी क्या है, टॉरस क्या, वृषभ बैल ही है, उनका अंश है। मूल क्या है, सात्विक एनर्जी, उनका अंश, हर नक्षत्र उनका अंश है। भविष्य पुराण में भी नक्षत्रों का ही वर्णन है, शिव पुराण में नक्षत्रों का वर्णन है, लेकिन कमियों का वर्णन कहीं नहीं है। कमियां हमें खुद ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि कमियां किसके कारण हुई हैं, कर्मों के कारण। तो कर्मों को ठीक करना है ना, पूजा पाठ से क्या कर्म ठीक हो जाने हैं? मैंने तो कोई रेमेडी नहीं छोड़ी थी। ये नहीं पता कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। इससे पहले भी जो 20 साल मेरे हस्बैंड ने उपाय किए हैं या मैंने उपाय किए, मैंने एक का भी फल नहीं देखा कभी भी। लेकिन एक चीज़ का फल देखा कि मेरा सत्य, मेरा यथार्थ, यही मेरा सबसे बड़ा बल बना है मुझे हर स्थिति से निकालने के लिए। वो सात्विक एनर्जी जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, मूल के अंदर, उस जड़ को मैंने छोड़ा नहीं, सत्य और धर्म को, वो एनर्जी ने मुझे बाहर निकाला है। ये सिर्फ हमारा एंगल है, हम किसको कैसे किस रूप में देख रहे हैं। मैंने हर चीज़ को एस्ट्रोलॉजी में पाया, तो मेरे लिए भगवान शिव हो गया एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं तो गलत हो सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। मैं बहुत स्टीक प्रेडिक्शन करना चाहती हूँ। लोग तो 99, मुझे 99 भी नहीं, 100%। 100% में कभी ऊपर नीचे अगर एक आधा दिन भी हो जाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी पकड़ है उस चीज़ पर। मैं दोबारा से पढ़ने बैठ जाती हूँ कि गलती हुई है तो मुझसे हुई है ना, तो कहाँ हुई।
मूल है, उस जड़ तक मैं पहुंची क्यों नहीं। मूल का मतलब ये है जड़ तक पहुंचना, बीमारी की जड़ को खोद के निकाल लेना, सत्य की जड़ तक पहुंच जाना और सत्य बताने की हिम्मत भी करना। ये सात्विक एनर्जी है। मूल कोई बुरा नहीं, कोई नक्षत्र बुरा नहीं है इंसान का। मूलाधार चक्र है और सबका यही एक्टिवेट होता है। अगर आप मूलाधार चक्र को बंद कर लेते हो तो आग ने कहाँ जाना है, आग ने ऊपर ही आना, उसका ऑरा है ऊपर आना। एक्टिवेशन में कितना टाइम लगेगा आप बताइए, एक्टिवेशन हो भी जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो इन चीज़ों में है ही नहीं। अग्नि क्या है, सबसे प्योर चीज़ है कलयुग में, अग्नि से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं हर चीज, अश्विनी क्या है, यज्ञ है ना, क्या करते हो अग्नि, अग्नि में अपने चीज़ों को होम करना। मघा फायर साइन है, सूर्य के पास क्या है, अग्नि। क्या होता है, सूर्य के बड़ा वैद्य कोई नहीं है, एनर्जी अगर सूर्य ब्रह्मांड को ना तो एक बंदा ना चल सके। उसके बाद आते हैं गुरुदेव, क्या ज्ञान के बिना हम जी सकते हैं, आज के युग में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ज्ञान भी कमर्शियल है कि पाने के लिए है, पाने के लिए ज्ञान पैसा देना पड़ता है। पहले गुरुकुल में कहाँ ज्ञान बिकता था, अब जैसे जैसे युग बदलेगा तो हर चीज़ बदलेगी, पैसे दे के भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना जुनून बनता है, अगर आपका जुनून है ना, रास्ते हज़ार खोल देगा भगवान आपके, आपका जुनून उस सच तक आपको लेके जाएगा। कोई पढ़ाई इससे कोई मतलब नहीं, अगर उस ब्रह्मांड की शक्ति से आप जुड़ गए, अब उस शक्ति की ड्यूटी है आपको हर तरह की चीज़ आपके सामने वो रखेगा सच। एक बार आप जुड़ के देखिए उस शक्ति से। मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देती क्योंकि मैं वो बताना चाहती जो मैं अनुभव कर सकती हूँ, सिर्फ वो आपको बताऊँगी, अदरवाइज कुछ नहीं बताती मैं। जब मैंने अनुभव ही नहीं किया तो क्या बताऊँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, करोड़ों रेमेडी हैं, मैंने हर रेमेडी करी है। पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करा कि ये शरीर स्वाहा हो जाना, अगर यहाँ से भी एक उम्मीद मिलती है ना तो मैं लोगों को वो उम्मीद दूँ कि आप ये उपाय कर लो। लेकिन वो उपाय काम नहीं आएगा, उनको क्या काम आएगा, रास्ता, ये रास्ता नहीं वो रास्ता तेरे लिए ठीक है। अब चुनता है नहीं चुनता ये उसके ऊपर है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मेरे दादाजी सुनाते थे कि गुरुकुल में एक शिष्य पढ़ता था, उसके जो गुरुदेव थे वो एक ही बात कहते थे, हर जीव में प्रभु का वास है, हर जीव में भगवान है, हर वस्तु में, हर चीज़ में, हर प्राण में, वही प्राणवायु है। और वो भिक्षा लेने जाता तो देखता एक महावत आ जाता हाथी लेकर, हाथी पागल हो चुका था, महावत भी कहता है पीछे हट जा, वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है हर जीव में प्रभु का वास है, तो इसमें भी प्रभु ही है ना, तो ये मुझे नहीं मारेगा। सारी जनता भी कहती है लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है शिष्य, तो हाथी उसको अपनी सूंड से पटक देता है, वो घायल हो जाता है, उसको उठा के लेके जाते हैं गुरुकुल, उसके सब शिक्षा बेकार लगती है। कहता मैं आपका कहना अब नहीं मानूंगा, आपने झूठ बोला। गुरुदेव कहते क्या बोला मैंने झूठ, कहते आपने तो बोला था हर चीज़ में प्राण है, हर जीव में भगवान है। कहते हाँ ये बात तो सत्य है। कहते फिर उसने मुझे क्यों मारा, कहते सिर्फ तुमने उस हाथी को ही देखा, उसके ऊपर जो बैठे थे वो स्वयं कृष्ण भगवान थे, उन्होंने जब कहा कि बेटा पीछे हट जा, तब तुम पीछे क्यों नहीं हटे, तुम हाथी में भगवान ढूंढ रहे हो, स्वयं नारायण ऊपर बैठकर तुम्हें कह रहे कि हट जा। और यही एस्ट्रोलॉजी है, हमारे अंदर कमियाँ। हम जेम स्टोन से, पूजा पाठ से, हर सच्चाई से बचना चाहते हैं। हमें हमेशा एक उम्मीद चाहिए। मैं इसी दुविधा में थी कि प्रभु अगर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती हूँ या बहुत पुराण भी पढ़ रही हूँ, मैं सत्यता को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और इसी बात का जवाब भी तो आज मिला है कि तू जिस में भी पाले, तुझे मैं एस्ट्रोलॉजी में मिला, क्योंकि फिर मुझे कर्म थ्योरी पर क्यों विश्वास आएगा, पहले मेरा विश्वास आना ज़रूरी है ना। इसीलिए तो मेरी बातें सबको कड़वी लगती हैं। अब यहाँ पर अगर महावत उस हाथी को कंट्रोल नहीं करता तो वो हाथी तो ध्वस्त कर देता सब कुछ, पटक ही दिया ना। यही मूल नक्षत्र है,
कि मुझे प्रभु ने इतना इतना उस स्पीयर होता ना भाला एक छड़ी रखी होती है उसने स्पीयर सा होता है तो उससे हाथी को मारता रहता था कि हाथी अपनी डायरेक्शन में ही रहे। और किरण बाबा ने बहुत बार अपनी डायरेक्शन खोई है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत बार डायरेक्शन लेस हुई हूँ मैं, बहुत बार बल खोया मैंने, लेकिन भगवान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उस एनर्जी ने, उस ताकत ने मुझे, जिसके लिए मैं क्या, अगर मैं इसी के लिए बॉर्न हुई थी तो तुम पहले क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजर बनाए, ताकि तुम दुख से निकलो और जो सामने बैठे उसके दुख को समझो, उसी हिसाब से फिर प्रेडिक्शन भी उसी हिसाब से आनी चाहिए। कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी की उम्मीद नहीं है तुमसे, तुम सात्विक एनर्जी हो। इसलिए इतना लंबा सफ़र रहा मेरा सत्य को ढूंढने का भी, सत्य को पाने का भी, और यहाँ तक पहुँचने का भी। हर चीज़ को आप जब तक पाओगे नहीं, जब तक जोड़ोगे नहीं, आपको यथार्थ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सब मिथ्स लगेंगी। मूल का मतलब है ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप नक्षत्र पढ़ लेते हो ना, पेशेंस अपने आप ही आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कमल भला ही कीचड़ में खिले, लेकिन चढ़ता लक्ष्मी को ये, इसके बिना लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि खुद लक्ष्मी इसमें विराजमान है। भलाई किसी गुरु ने मुझे नहीं सिखाया, पर मैंने सारे गुरुओं को सुना, सबको। आप जिसका नाम ले लोगे ना, मैंने उसको सुना। मैंने सुनने के अलावा कुछ भी नहीं करा, कमेंट, थैंक यू, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी कभी किसी गुरु के लिए अपमान भरे शब्द नहीं, क्योंकि मैं श्रवण नक्षत्र में हूँ तो मेरा काम ही सुन के नोट्स बनाना, रिसर्च करना, वो मेरा काम था ना। गुरु ने तो बोल दिया तो आगे कौन करेगा काम, शिष्य का काम है ये आगे रिसर्च करना। आगे की यात्रा खुद की है, आप खुद चलो इस पर रिसर्च करो, ढूंढो ये सत्य है कि नहीं। तुमने पढ़ लिया ठीक है, नोट्स बना लिए ठीक है, इसीलिए रिसर्च में मुझे ज़्यादा टाइम लगा। तो कभी भी किसी का कोई बोले ना कि मूलों में बच्चा बताओ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्मों की गांठ है जिसको वो खोलने आया है। आप पूजा कराएं तो भी वो गांठ नहीं खुलेगी, पाठ कराएं तो भी नहीं खुलेगी, कर्म करने से, पेंडिंग कर्म जो है उसको फिनिश करने से, प्रारब्ध को ख़त्म करने से, कभी काम चोरी करने से नहीं। इसीलिए आपको चुना जाता है इस नक्षत्र में, जन्म का समय आपका चुना है, मृत्यु वहाँ पर पहले लिखी जाती है शाश्वत, कि इस समय इस शरीर को ऊपर आना है, इसका रोल ख़त्म हो चुका। पैदा होने का समय मनुष्य खुद चुनता है कि अब इस नक्षत्र में मुझे जाना, इतने बज के इतने मिनट, ये चुना हुआ समय ही कर्म है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी बातें मे भी आपको अच्छी लगें, मे भी आपको अच्छी ना लगें, क्योंकि आजकल क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है सत्य को सुनने का। लेकिन अपने काम पर अड़िग रहती हूँ कि मैसेज एक ना एक दिन ज़रूर पहुँचेगा। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।